आईपीएल 2025 रिटेंशन वीडियो पार्ट टू में आप लोगों का स्वागत है। पार्ट वन में हमने बात किया था ऐसे टीम्स के बारे में जहां पे वो लोग आईपीएल नहीं जीते, साथ में एसआरएच की भी बात किए थे और आरसीबी का भी हमने वहां पे बात किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है या चेकआउट करना चाहते हो तो चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कर लेना। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई ऐसे पांच टीम्स के बारे में जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स है, साथ ही यहाँ पे डिफेंडिंग चैंपियंस भी है आईपीएल के। तो भाई वीडियो को बिल्कुल भी मिस आउट मत कर देना क्योंकि यहाँ पे चेन्नई और मुंबई से रिलेटेड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ जिसको आप बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहोगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, अगर बड़ा भी बनता है तो भी भाई देख ही लो, आईपीएल है, तुम लोगों का फेवरेट है ना। चलो शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। लेकिन एक मिनट शुरू करने से पहले रुको भाई, इसका काम तो हो गया तो इस वीडियो में हम जिसकी बात करने वाले उसकी वाली जर्सी चाहिए है ना। एक मिनट भाई, ट्रांजिशन ट्राई करना है मेरे को, ठीक है। अबे ट्रांजिशन लगा दे एसके भाई। अच्छा इससे नहीं होगा। ओ भाई साहब, चलो भाई शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात टाइटंस के बारे में। पिछले साल इनके साथ कुछ ट्रेजेडी टाइप हो ही गया था जहाँ पे हार्दिक पांड्या ने इनके फ्रेंचाइज को छोड़कर ट्रेड होने का ऑप्शन लिया था मुंबई इंडियंस के साथ और उसके बाद से इनका भाई कोलैप्स ही हो गया क्योंकि ये लोग लगातार दो फाइनल खेले थे और पिछला सीजन इनके लिए बहुत ही ज्यादा खराब हुआ था क्योंकि मोहम्मद शमी भी अनअवेलेबल थे इंजरी के चलते। और न्यूमर्स तो भाई अभी ऐसे भी आ रही, राशिद खान नहीं चाहता कि यहाँ पे रिटेन हो, वो चाहता है ऑक्शन में जाए क्योंकि उसके कहीं ना कहीं लिंक है मुंबई इंडियंस के साथ और मुंबई इंडियंस चाहते हैं कि वो राशिद खान को ले, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो वक्त ही बताएगा। ऊपर से एक और बहुत बड़ा र्यूमर उसके पहले आ रहा था, वो है आशीष नेहरा को लेकर कि आशीष नेहरा भी गुजरात छोड़कर जाने वाले हैं और वहां पे युवराज सिंह एज हेड कोच आएंगे, लेकिन ये तो नहीं हुआ। लेकिन राशिद खान का देखेंगे होता या नहीं होता है। लेकिन अभी आज जो हम रिटेंशन करेंगे गुजरात टाइटंस के लिए, वहां पे नंबर एक के ओवर इनके कैप्टन शुभमन गिल होने चाहिए 18 crores पे। नंबर दो स्लॉट पे एक बार फिर यहाँ पे इस टीम के वाइस कैप्टन जो अभी हाल फिलहाल में है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे ही रहे, वो है राशिद खान। इनको भी 18 crores ही मिलने चाहिए भाई, डिजर्व भी करता है जिस तरह का ये मैच विनर है। ऊपर से बैटिंग में जिस तरह का ये परफॉर्मेंस अभी हाल फिलहाल में कर रहा है, फिनिशिंग कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुजरात के लिए। अब आगे बढ़ते हैं भाई नंबर तीन के ऊपर, वहां पे रखा है मैंने मोहम्मद शमी को 14 crores के लिए। हाँ मोहम्मद शमी जैसे बॉलर के लिए बहुत कम है, मैं मानता हूँ, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, लेकिन मोहम्मद शमी अगर रुकना चाहे 14 crores में तो रुक सकते हैं भाई और गुजरात टाइटंस इनको छोड़ने की गलती बिल्कुल नहीं कर सकता। नंबर चार के ऊपर साई सुदर्शन, वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर्स है ये गुजरात टाइटंस के लिए और जिस तरह की ये कंसिस्टेंसी दिखा रहा है, ये लोग नहीं सोच सकते भाई साई सुदर्शन को यहाँ पे छोड़ना क्योंकि ये कम में नहीं मिलने वाला, ये बहुत ही रिलायबल प्लेयर है इनके लिए। तो मेरे हिसाब से ये चार प्लेयर तो इन्होंने रिटेन करनी चाहिए। अब इनके पास आरटीएम कार्ड्स बचेंगे जो ये लोग यूज कर सकते हैं ऑक्शन में, डेविड मिलर के ऊपर, राहुल तेवटिया के ऊपर, आर साई किशोर के ऊपर, बहुत सारे प्लेयर्स है। एक मेजर बात रह गई वो है मोहित शर्मा से रिलेटेड। अब मोहित शर्मा भी अनकैप प्लेयर बन गए हैं क्योंकि 5 साल से ज्यादा हो गए जब वो इंडिया खेले थे, तो अब वो भी 4 crore में रिटेन हो सकते हैं इजीली गुजरात टाइटंस के पास। तो अगर ये भी हो जाता है तो टोटल 5 प्लेयर हो जाएंगे जिसको गुजरात टाइटंस रिटेन करेगी, फिर उनके पास एक ही आरटीएम कार्ड बचेगा और फिर उनको सोचना पड़ेगा कि वो किसके ऊपर यूज करे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टीम की तरफ और वो है राजस्थान रॉयल्स की टीम। हाँ भाई ये वही टीम है जिसने पहला सीजन जीती थी और उसके बाद कभी ट्रॉफी फिर से नहीं उठाई। रिवर्स तो ऐसे आ रहे थे इस टीम के रिगार्डिंग कि ये लोग चहल को रिटेन नहीं करने वाले, जॉस बटलर को रिटेन नहीं करने वाले, ऊपर से ऐसे भी रिवर्स आ रहे थे कि चेन्नई मूव होने वाला है संजू सैमसन, लेकिन अभी हाल फिलहाल के जो फोटोज हमने देखे उस पर से तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा। संजू सैमसन पक्का यहाँ पे रिटेन होगा और हुआ भी है, ऐसे कंफर्म रिपोर्ट्स आ रहे ऑलमोस्ट। तो नंबर एक के ऊपर मैंने संजू सैमसन को रखा है 18 crores के लिए। नंबर दो रिटेंशन जो है वो होना चाहिए यशस्वी जायसवाल 14 crores का, और भाई ये कैप्टनसी मटेरियल भी है, अगर आगे जाकर ये लोग अगर चाहे कैप्टन चेंज करना जो इन्होंने करना चाहिए या फिर पहले ही करना चाहे था, तो यशस्वी जायसवाल एक बहुत ही बढ़िया चॉइस हो सकता है कैप्टनसी के लिए। नंबर तीन के ऊपर इन्होंने नो ब्रेनर है भाई इनके लिए, यूजी चहल को रिटेन करना चाहिए 14 crores में क्योंकि इसने बहुत ही अच्छा किया है राजस्थान रॉयल्स के लिए भी। तो अगर राजस्थान रॉयल्स आरसीबी वाली गलती कर देगा
तो राजस्थान भी वैसी ही ट्रोल होगी, मेरे को तो भी लग रहा है होनी चाहिए। आगे नंबर चार के ऊपर मैंने रखा है संदीप शर्मा को, जो अनकैप प्लेयर बोल के 4 करोड़ में रिटेन हो सकता है, क्योंकि ये भी नहीं खेला इंडिया के लिए उतना। नंबर पांच रिटेंशन के ऊपर रख सकते हैं रियान पराग को, 11 करोड़ में अगर इसको रिटेन करेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। पिछला साल बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में गया था इंडिया के लिए, डेब्यू भी किया इसने और अच्छा भी किया इंडिया के लिए, ऊपर से बॉलिंग में भी बहुत ज्यादा अच्छा ही किया था। तो भाई ये पांच रिटेंशन जो है ये कंफर्म ही समझ लो। नंबर छह के ऊपर मैंने रखा है भाई, मैंने पर्सनली रखा है यहाँ पे जॉस बटलर को। ये अगर 18 करोड़ में जॉस बटलर को रोके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 18 करोड़ के कम प्राइस में जॉस बटलर अवेलेबल हो सकता है अगर इसके ऊपर आरटीएम करे तो, लेकिन मैं चाहता हूँ भाई जॉस बटलर के ऊपर इतना भरोसा दिखाया है तो एक और सीजन दिखा दे। आपके इसके ऊपर क्या व्यूज है ये कमेंट करके जरूर बताना। वैसे अगर ये लोग जॉस बटलर को पूरा ही छोड़ना चाहते हैं तो ये लोग आरटीएम कर सकते हैं आर अश्विन के ऊपर, इनके पास ट्रेंट बोल्ट का भी ऑप्शन है जिसके ऊपर आरटीएम किया जा सकता है। अब भाई आगे बढ़ते हैं द बिग थ्री की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे केकेआर की टीम के बारे में। तो भाई कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम डिफेंडिंग चैंपियन है, और इनके बारे में तो भाई इतना बड़ा र्यूमर आया था कि ये लोग श्रेयस अय्यर को रिलीज करने वाले हैं और ट्रेड करेंगे सूर्य कुमार यादव के साथ। कोई सेंस है इस बात की भाई? ये कहां से र्यूमर आते और कौन इसको फैलाता है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता भाई। नहीं हो रहा ट्रेड, ट्रेड नहीं है ऑक्शन से पहले भाई। ये कौन भाई, छोड़ दो भाई। अगर तुमने इसके ऊपर बिलीव किया था तो भाई मेरे को तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब बात करते हैं भाई इनका क्या स्ट्रेटेजी होने वाला है रिटेंशन से रिलेटेड और आरटीएम से रिलेटेड। देखो नंबर एक के ऊपर है नो ब्रेनर श्रेयस अय्यर, 18 करोड़ पे अगर इसको रिटेन करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं मानता हूँ श्रेयस अय्यर के लिए ये 18 करोड़ बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन आईपीएल विनिंग कैप्टन है, आईपीएल जिताया है केकेआर को वो भी 10 साल के बाद, तो श्रेयस अय्यर ये डिजर्व करता है। फॉर्म क्या है, फॉर्म आएगा जाएगा, कभी ना कभी तो आएगा। श्रेयस अय्यर वैसा ही प्लेयर है, क्लास प्लेयर है, इसका फॉर्म आने में देर नहीं लगेगी और श्रेयस अय्यर को यहाँ पे बैक करना चाहिए। नंबर दो रिटेंशन होना चाहिए इनका आंद्रे रसल, जिसको भी 18 करोड़ मिलने चाहिए, हमेशा इसको रिटेन करते आए हैं, इस बार भी करेंगे। और इस बार का जो आंद्रे रसल था भाई उसकी फिटनेस तो अलग ही लेवल की थी। नंबर तीन के ऊपर सुनील नारायण भाई, इसको भी इंडियन सिटीजनशिप बस थोड़ी के लिए रह गई है, शायद से वो भी मिल जाएगी। 14 करोड़ पे अगर सुनील नारायण को रिटेन करेंगे तो भाई करना ही चाहिए, करेंगे नहीं करना ही चाहिए और करेंगे मेरे को मालूम है। नंबर चार पे भाई रिंकू सिंह, 14 करोड़ के लिए मैं रिटेन करूंगा केकेआर के लिए। तुम लोगों को लगेगा कि बहुत ज्यादा है, मेरे को नहीं लगता, रिंकू सिंह जैसा प्लेयर नहीं मिलता, इंडियन प्लेयर तो बहुत ही ज्यादा कम मिलता है और रिंकू सिंह फ्यूचर है केकेआर का, तो इसकी को 14 करोड़ कम तो बिल्कुल भी नहीं होगे। अब बाकी जो दो प्लेयर्स बचे हैं वो तो भाई वहां पे बहुत बड़ा सरदर्द था, क्योंकि वहां पे ऑप्शन था मिचेल स्टार का, वरुण चक्रवर्ती का, क्योंकि इसमें से कोई एक ही हम रिटेन कर पाएंगे और मैंने यहाँ पे फैसला लिया है कि वो वरुण चक्रवर्ती हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो 11 करोड़ में मिल जाएगा। एक मिस्ट्री स्पिनर है, केकेआर के लिए अच्छा भी किया है और अच्छा हाल फिलहाल में फॉर्म भी चल रहा है उसका, और मिस्ट्री स्पिनर कितने महंगे जाते हैं मेगा ऑक्शन में आप लोगों ने तो देखा ही है, तो बेटर होगा कि 11 करोड़ में इसको यहाँ पे रिटेन कर ले। अगर किसी किसी को लगता है कि 11 क्रोर्स का वो वर्थ नहीं है तो एक बार याद कर लो आरटीएम का वो जो नया रूल है भाई, इसमें इसकी वर्थ और भी ज्यादा बढ़ाई जाएगी, ये बात ध्यान में रखो। और लास्ट प्लेयर केकेआर के लिए हमको मालूम ये कौन होने वाला है, हाँ हर्षित राणा की बात कर रहा हूँ, 4 करोड़ में इसको रिटेन किया जाएगा। नेक्स्ट टीम है भाई मुंबई इंडियंस की टीम। भाई साहब क्या कॉन्ट्रोवर्सीज हुए थे मुंबई इंडियंस को लेकर पिछली सीजन में, और इस बार तो र्यूमर्स भी वैसे ही उतने हाई लेवल के आ रहे थे कि रोहित शर्मा को रिलीज किया जाएगा, रोहित शर्मा नहीं रुकना चाहते। उसके बाद फोटोज आए थे कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के ऑफिस में स्पॉट किए गए थे, और सूर्य कुमार यादव को केकेआर की तरफ ट्रांसफर किया जाएगा, हार्दिक को ये लोग रिटेन नहीं करना चाहते, ये लोग चाहते कि राशिद खान को लेकर, भाई कितने सारे र्यूमर थे। तो इसमें से कुछ सच होगा नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी जो मैंने यहाँ पे कुछ डिसाइड किया है मुंबई इंडियंस के लिए ये सुनकर आप शॉक हो जाओगे। नंबर एक के ऊपर मैंने रिटेन किया इनका कैप्टन हार्दिक पांड्या को। देखो एक बार बना दिए कैप्टन, मेरे को नहीं लग रहा अब इससे वो पीछे हटने वाले, क्योंकि ये फ्यूचर देखते हैं हार्दिक पांड्या में, और हार्दिक पांड्या तो नंबर एक रिटेंशन होगा ही, 18 करोड़ तो वो बंदा डिजर्व करता है। जिस तरह का उसने परफॉर्मेंस दिया था फाइनल में वो बताने की जरूरत नहीं है, फॉर्म भी किस तरह का चल रहा है ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। नंबर दो के ऊपर मैंने रखा है 18 करोड़ पे जसप्रीत बुमराह को,
इससे ज्यादा डिजर्व करता है। अगर मतलब मान लो र्यूमर्स आ रहे थे हेनरिक लारसन 23 करोड़, तो भाई ये बंदा तो फिर 30 करोड़ डिजर्व करता है। मानते हो या नहीं मानते कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अभी मैंने 18 करोड़ पे ही रखा है जसप्रीत बुमराह को। नंबर 3 पे रखा है भाई सूर्य कुमार यादव, वर्ल्ड का बेस्ट T20 प्लेयर है सूर्य कुमार यादव। भाई आप एग्री करो ना करो, मैं तो मानता हूँ सूर्य कुमार बेस्ट है। 14 करोड़ पे ये यहाँ पे रुक जाएगा, इंडिया का कैप्टन भी अभी T20 का, और अगर इसको नहीं रखेंगे तो भाई किसको रखेंगे फिर। नंबर 4 के ऊपर मैंने रखा है ईशान किशन को 11 करोड़ के लिए। भाई इसको बहुत ही ज्यादा बैक करते आ रहे थे, ये इसमें फ्यूचर देखते थे, तो आप लोग सुनकर शॉक हो जाओगे कि रोहित शर्मा क्यों नहीं रखा। भाई देखो मैं रोहित शर्मा का फैन हूँ, रोहित शर्मा के साथ जो हुआ था उससे मैं बहुत ही ज्यादा नाखुश था। मैं नहीं चाहता कि रोहित शर्मा अब यहाँ पे रुके, वो ऑक्शन में आए, एक नई टीम में जाए जहाँ पे उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू की जाएगी। हाँ कैप्टन बनाए ना बनाए वो बात की बात है, लेकिन उसको उसकी वैल्यू, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, ये मैं चाहता हूँ। आप क्या चाहते हो ये कमेंट करके जरूर बताओ। लेकिन मेरे को मालूम है बहुत सारे रोहित शर्मा के फैंस भी यही चाहते हैं कि वो कोई और टीम में जाए। अब मुंबई इंडियंस के लिए मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन हाँ मुंबई इंडियंस अगर यहाँ पे चाहे तो मुंबई इंडियंस भी यहाँ पे रोक सकती है। 14 करोड़ या 18 करोड़ देना है रोहित शर्मा को, ये टोटली उनके ऊपर होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे रोहित शर्मा रुके। अब नंबर 5 के ऊपर होगा इनका अनकैप प्लेयर निहाल वधेरा, जो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, ज्यादा खेलने का मौका मिला नहीं था, लेकिन भाई बहुत ही अच्छा सीरियस हिटर है निहाल वधेरा। इस हिसाब से इनका फिर एक आरटीएम कार्ड बचेगा जो ये लोग यूज कर सकते हैं तिलक वर्मा के ऊपर या फिर टीम डेविड के ऊपर, क्योंकि तिलक वर्मा बहुत ही ज्यादा अच्छी कंसिस्टेंसी देता है, तो उसके ऊपर करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। टीम डेविड ऐसा प्लेयर है जो ऑक्शन में मिल जाएगा, इनको महंगा मिल सकता है लेकिन लेना तो चाहिए वापिस से। लेकिन भाई अगर वो वाला र्यूमर सच हो गया जहां पे ये लोग राशिद खान को लेने का सोच रहे, एक बड़ा अमाउंट उसके लिए रखना चाहते हैं, तो फिर हो सकता है ना ही ईशान किशन रुके, ना ही तिलक वर्मा और ना ही निहाल वधेरा, फिर ये लोग बहुत बड़ा सम ऑफ मनी के लिए बचाएंगे, आरटीएम कार्ड अवेलेबल रखेंगे उनके ऊपर आरटीएम मारने के लिए। अब भाई मुंबई की बात हो गई है तो इनके आर्च राइवल्स, जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स है आईपीएल की, जिसकी मैंने अभी जर्सी पहना है, इसके लिए मैंने इतना ट्रांजिशन करवाया है, मेहनत करवाया है इसके भाई से, तो उसके बारे में बात करेंगे, और वो है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। देखो इनके कैप्टन नए थे ऋतुराज गायकवाड़ को इन्होंने कैप्टन बनाया था, और 18 करोड़ आप सोचोगे कि ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बहुत ज्यादा है, इससे बेटर हो कि ये लोग मतलब ऋतुराज को छोड़कर ऋषभ पंत के पीछे जाए, या फिर रोहित शर्मा अगर ऑक्शन में आते तो उसको ले ले। मैं एग्री करता हूं आप लोगों की बात से, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने जिस तरह की कंसिस्टेंसी दिखाया है, जिस तरह का परफॉर्मेंस करके दिया है चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत टाइम, तो ये बहुत ज्यादा ही रन बनाया है इसने। मेरे को नहीं लगता कि चेन्नई सुपर किंग्स ने यहाँ पे ये गलती करनी चाहिए उसको छोड़ने की। अभी कैप्टन बनाया है तो इसके साथ ही आगे कंटिन्यू करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नंबर 2 के ऊपर रविंद्र जडेजा, मैं मानता हूँ T20 से वो रिटायर हो गया है, लेकिन भाई इस टीम के लिए ये येलो जर्सी जब भी पहनता है ये अलग बीस्ट बन जाता है, और रविंद्र जडेजा एक सीजन खराब गया इसका मतलब ये नहीं कि रविंद्र जडेजा खत्म हो गया आईपीएल में। अगर जडेजा खुद ना रुकना चाहे तो बात अलग है, लेकिन चेन्नई नहीं चाहेगी कि जडेजा को छोड़ दे, तो 14 क्रोर्स में तो ये यहाँ पे रिटेन होगा। नंबर 3 के ऊपर मैंने रखा है पथिराना को 14 क्रोर्स में, जिस टाइप का ये डेथ बॉलर है स्लिंगिंग एक्शन के साथ बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया है जब भी खेला है चेन्नई के लिए, तो ये तो नो ब्रेनर है कि 14 क्रोर्स में इसको करना चाहिए। नंबर 4 के ऊपर भाई है हमारे अनकैप, नहीं बोलने वाला ये हमारे थाला फॉर अ रीजन MS धोनी, और मैं चाहता हूं यहाँ पे वो 4 करोड़ में नहीं बल्कि 7 करोड़ में यहाँ पे रिटेन हो। जो पांचवा प्लेयर इन्होंने रिटेन करना चाहिए वो है शिवम दुबे, 11 करोड़ में करेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि भाई 6 हीटर यार, स्पिन बैशर शिवम दुबे फाइनल में भी बहुत अच्छा किया था T20 वर्ल्ड कप के, और दुबे जैसा प्लेयर इनको वापिस से नहीं मिलने वाला, तो बेटर है अपने प्लेयर को ही ले। और चेन्नई हमेशा ये करती है कि अपने प्लेयर्स को बायबैक करती है या फिर रिटेन कर लेती है, तो बेटर होगा शिवम दुबे को 11 करोड़ में रिटेन कर ले। अब जो एक आरटीएम कार्ड बचेगा ये वहां पे यूज कर सकते हैं रचिन रविंद्र के ऊपर, डेवॉन कॉनवे के ऊपर, या फिर मुस्तफिजुर रहमान अगर आना चाहे तो उसके ऊपर भी कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है दीपक चहर का, लेकिन हाल फिलहाल में जो उसका हेल्थ इश्यूज रहा है उसके ऊपर से वो लोग करेंगे या नहीं करेंगे बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ दीपक चहर एक बार फिर से हमको इस टीम में खेलते हुए दिखने वाला है। एक और ऑप्शन है शार्दुल ठाकुर का, जिसके ऊपर ये लोग आरटीएम कर सकते हैं, तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके ऊपर ये लोग अपने आरटीएम कार्ड ऐसे फेंक सकते हैं। ठीक है, तो होप सो भाई आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर बड़ा वीडियो बना है और अगर आप यहां तक देख रहे हो
तो थैंक यू सो मच। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना। कमेंट में जरूर बताओ कि आप लोग मेरे बातों से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो। आपके हिसाब से इन टीम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रिटेंशन के लिए, आरटीएम के लिए और मेगा ऑक्शन की भी स्ट्रेटजीज अगर आप लोग बताना चाहो तो बता सकते हो। ठीक है, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो है लाइव स्ट्रीम में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। उसके ऊपर आप पथिराना का यॉर्कर फेंको या फिर शिवम दुबे का स्लॉग स्वीप 6, मेरे को नहीं मालूम, हो जाना चाहिए। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो है लाइव स्ट्रीम में। तब तक ख्याल होगा अपना भी और अपनों का भी। तब तक के लिए बाय बाय।